इसका जो ब्रेक है ना देखिए, एक दिन पहले लड़ाई टाइप्स हुआ था कुछ तो इधर बहुत ही अच्छा बदबू है बोलती रहती हूँ ड्रिंक मत किया कर, मत किया कर। देखिए वो ड्रिंक किया और वहाँ पे पैकेट फेंक दी। देखिए जाकर बोलेंगे आज मेरा सावन खत्म हुआ तो इसलिए चिकन बना दीजिए। ऐसा आराम मतलब क्या ही बताए। उसे मेन चीज देखिए पंखा, पंखा का हवा के चलते भी हम लोग उसे दुकान में एक सीन हो गया मतलब। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा मैं हूँ पिंकी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर आप लोग के लिए व्लॉग बनाने के लिए। तो कहाँ जा रही हूँ कुछ पता है ही नहीं, बस निकल पड़ी हूँ। और मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ बॉबी जा रही है। और आज हम लोग मतलब स्कूटी में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं जब भी स्कूटी में जाती हूँ मैं मतलब अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाती। तो इसलिए सोची थी कि साइकिल से जाओ, लेकिन साइकिल भी अभी पंचर है जो मेरा है, मतलब जो प्यासा चलाती है स्कूल ले जाती है वो साइकिल। और पता नहीं अब पैदल ही जाना पड़ेगा शायद। तो पहले मैं तभी घर में हूँ तो पहले बॉबी के घर जाते हैं, उसको बुलाते हैं, फिर देखते हैं कैसे जाए, पैदल जाए कि साइकिल से जाए। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, देखते रहिए। तो ये रही वो साइकिल, मतलब पहले मेरा था जब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से ही मिला था, अब मैं नहीं चलाती हूँ। तो ये प्यासा का हो गया है, ये तो पंचर हो चुका है, इससे तो नहीं जाएंगे। तो फाइनली साइकिल मिला है और हम और बॉबी जा रहे हैं अभी, रुकिए मैं दिखाती हूँ। देखिए वो जा रही है बॉबी, और बॉबी मेरा साइकिल मतलब ये जो चला रही हूँ, ये एक काकी लगती है, काकी माँ, उनसे मांग के दी है। तो हम लोग को जाना था उस ब्रिज में लेकिन हम लोग नहीं गए वहाँ पे। अब सोच रहे इधर से जाके वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे नहीं गए क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ पे मतलब लड़का लोग आते हैं ड्रिंक विंक करने, मतलब शाम को, तो कुछ दिन पहले लड़ाई टाइप्स हुआ था कुछ, तो वहाँ पे जाने के लिए मना किया है मतलब कुछ दिन के लिए, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए। अब पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। तो कंटिन्यू रहिए और ब्लॉग को इंजॉय करिए। तो अभी प्लान कुछ चेंज हुआ है, अभी हम लोग उधर नहीं जाएंगे जिधर मैं दिखाई थी, अभी इधर सीधा जा रहे हैं, देखते हैं कितना दूर जा पाते हैं। ये साइकिल इतना अच्छा है, इतना अच्छा क्या ही बताएं। इसका जो ब्रेक है ना देखिए, एकदम भी नहीं पकड़ रहा ये ब्रेक। और मैं दूसरा मतलब राइट हैंड से मतलब ब्लॉग बना रही हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा इसको ऐसे दबाना, ऐसे भी कुछ नहीं होगा। तो ये है हम लोग का अंचल। तो मैं उस दिन जब खेत घूमने गई थी तब दिखाई थी कि पाट होता है, देखिए उस पाट को ऐसे करके पानी में फेंक देते हैं, यहाँ पे भी है। और इधर मतलब जो पाट को काट के जो निकलता है ना वो यही चीज है, मतलब इससे ही डोरा बनता है और बस्ता, हाँ, बोरा भी बनता है। और देखिए ये होता है पैकाटी जो मैं बता रही थी, इधर भी है, इसको मतलब खाना बनाते हैं, मतलब चूल्हा में डाल के जलाने के काम लगता है यही चीज का। तो यहाँ पे एक झूला टाइप है, बहुत मुश्किल से मैं बॉबी को रोकी हूँ, यहाँ पे झूला खाना है मुझे थोड़ा सा तो इसमें मैं झूला नहीं खा पाई क्योंकि इतना नीचा है, मतलब शायद बच्चा लोग के लिए है, और मैं वहाँ बैठी थी तो और नीचा हो गया था, तो मेरा पैर पूरा जमीन में ठेक जा रहा था। तो मैं बहुत दिन से साइकिल नहीं चलाई हूँ तो इसलिए मुझे बहुत संभल के चलाना पड़ रहा है। शायद मैं जब 12 में थी तब लास्ट साइकिल चलाई थी, उसके बाद से मैं साइकिल चलाई नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इधर बहुत ही अच्छा बदबू है मतलब पाट पोचा का जो मतलब स्मेल आ रहा है ना, बहुत ही बेकार लग रहा है। अभी हम लोग एक ब्रिज में रुके हैं, देखिए उधर भी एक ब्रिज है वहाँ पे, और व्यू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। तो देखिए बॉबी का काम देखिए, मैं उसको कितना बार बोलती रहती हूँ कि ड्रिंक मत किया कर, मत किया कर। देखिए वो ड्रिंक किया और वहाँ पे पैकेट फेंक दिए। देखिए बॉबी नहीं पी, यहाँ पे स्प्राइट था, स्प्राइट मिसा के पी है। तो यहाँ पे एक मेरा मतलब दीदी का घर है, रिलेटिव लगती है,
तो बॉबी बोल रही है कि चलिए जाते हैं वहाँ पे जाके फिर कुछ खाना वाना खा के कुछ खाना खा के फिर आएंगे। फिर मैं बोल रही हूँ मेरा तो सावन चल रहा है, तो बोल रही है चलिए जाके बोलेंगे आज मेरा सावन खत्म हुआ तो इसलिए चिकन बना दीजिए। कितना कितना भूखर है, सोचिए कितना भूखर है। ऐसा आराम मतलब क्या ही बताए, जब ऊंचाई से आप नीचे उतरोगे ना साइकिल में तो आपको मतलब पैडल करने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, अपने आप मतलब साइकिल आगे बढ़ते जाता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग आते आते थक चुके हैं, भूख भी लग गया है, तो हम लोग ये खाएंगे सिंघाड़ा, एक एक करके सिंघाड़ा और संदेश पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। सबसे मेन चीज़ देखिए पंखा का हवा के चलते भी हम लोग घुसे दुकान में, पहले खा लेते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं। तो हम लोग बस खाना खा के मतलब सिंघाड़ा वही संदेश खा के अभी जस्ट निकले दुकान से, और दुकान में एक सीन हो गया मतलब वहाँ पे एक अंकल थे, वो मतलब मिठाई हम लोग सोचे कि हम लोग को देंगे फ्री में मिठाई, लेकिन वो हम लोग को नहीं दिए के मतलब किसी और को दिए, तो हम लोग मतलब क्या सोचे थे क्या हो गया, तो बहुत वो नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ घर के साइड, तो अभी मैं जस्ट घर आई और आते ही मैं छत पे चढ़ गई क्योंकि मम्मी छत पे मतलब पौधा में पानी दे रही थी तो इसलिए, और बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, थक उतना नहीं गई थी लेकिन इतना गर्मी है और इतना पसीना हो रहा था मतलब क्या ही बताए, पूरा मतलब हालत ख़राब हो चुका है साइकिलिंग करके, मतलब मैं करती नहीं हूँ आदत नहीं है ना इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छा है मतलब कभी कभार साइकिलिंग करना चाहिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो अभी जस्ट आई और देखिए उधर का मतलब बादल, देखिए मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब अभी शाम होने वाला है ना तो सूरज डूब रहा है तो इसलिए बहुत ही अच्छा कलर आ रहा है मतलब बादल का। उधर देखिए उधर तो पूरा मतलब एक ऑरेंज मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और इधर भी देखिए कलर देखिए बहुत ही मस्त लग रहा है। तो अभी मम्मी का पानी देना हो जाएगा पौधा में, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और मैं सिंघाड़ा लेते आई हूँ घर के लिए, तो जाके वो खाएंगे। मैं तो ऑलरेडी एक खा के आई हूँ, फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा लाई हूँ मेरे लिए, आप सभी को तो पता ही होगा मुझे कितना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं दो लाई हूँ मेरे लिए, और दो मतलब क्या एक खा के आई और एक लेते आई, तो अभी मैं मम्मी लोग के साथ फिर से एक खाऊँगी वही, तो वो मिला के दो हो जाएगा। तो चलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छे रहिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा स्किन टोन मतलब चेंज होते रहता है वीडियो में, आप लोग तो नोटिस किए होंगे, लेकिन वो कुछ फिल्टर ये सब कुछ नहीं, मेरा तो फिल्टर नॉर्मल रहता है, मतलब मैं कुछ फिल्टर यूज़ नहीं करती हूँ, वो इसलिए होता है क्योंकि ऐसा वेदर नेचर की वजह से मतलब जहाँ रोशनी मतलब सूरज का रोशनी ज़्यादा रहता है वहाँ पे ज़्यादा मतलब वाइट हो जाता है, गोरी लगने लगती हो, और नहीं तो जैसे कि अभी शाम होने वाला है तो अब देखिए स्किन टोन का कलर देखिए थोड़ा अलग है ना। एक्चुअली मैं सावली हूँ मतलब गोरी नहीं हूँ, मैं सावली हूँ, लेकिन उस सूरज का रोशनी की वजह से ऐसा चेंज होता रहता है। कल और आज मैं रील्स बनाई इंस्टाग्राम में, और जो लोग अभी तक फॉलो नहीं किए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग फॉलो करिएगा। और कल और आज मैं रील्स बनाई मतलब उसमें भी इतना ज़्यादा सूरज का रोशनी फोकस कर रहा था, पूरा वाइट लग रहा था, और मेरा जो भतीजा है सूरज आप लोग तो जानते होंगे वीडियो में देखे हैं रांची का ब्लॉग में, तो वो कमेंट किया था कि वो आप मेकअप किए हैं क्या इतना ज़्यादा मतलब गोरी लग रही है, तो मैं मतलब उसको भी कमेंट में रिप्लाई की कि नहीं मेकअप वेकअप मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा मेरा स्किन देखे तो पता चलता होगा ना कितना सेंसिटिव स्किन है, मेकअप तो कुछ सूट नहीं करता है, तो कुछ मेकअप फिल्टर ऐसा कुछ नहीं, बस सूरज का लाइट के मतलब वजह से ऐसा स्किन टोन हो जाता है और कुछ नहीं।